दोस्तों, ये मेरे बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे पौधे जिसका नाम है अपराजिता। ये मेरे सफेद अपराजिता के फूल के पौधे हैं। आज मैं इनको रिपोर्ट करूंगी। मैं जेड प्लांट के साथ इसको भी लेकर के आई थी नर्सरी से। और आपके यहाँ पे कितने के मिलते हैं? मुझे यहाँ पर 20-20 रुपए के मिले हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे कितने मिले कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कैसे वो दोस्तों, ये वही गमला है जो मैंने डहेलिया के जो सीड्स थे वो निकाले थे इसमें से, और अब मैं इसी के अंदर इसको रिपोर्ट करूंगी। दोस्तों, इसमें छेद है नीचे, छेद के ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें छेद करना है। छेद इसके अंदर प्रॉपर बना हुआ है और इसके ऊपर एक आपको ठीकरी रखनी है। ठीकरी रखने के बाद इसको आपने मिट्टी भरनी है। मिट्टी में मैंने इसमें डाला है कंपोस्ट, गोबर की खाद, रेत कंपोस्ट, गोबर की खाद, और इसमें नीम खली मैंने इसके अंदर मिक्स की है और हल्दी इसके अंदर मिक्स की है, ताकि मेरी हेल्दी मिट्टी बन सके, हल्की मिट्टी बन सके। मिट्टी को हमेशा हल्का रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, गमले हमारे उठाते समय ही टूट जाते हैं और हम ये इतना ज़्यादा भारी हो जाती है मिट्टी कि हमारा पौधा आगे ग्रो नहीं कर पाता। इसमें रेत की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। देखिए दोस्तों, मैं इसको गमले को भर दूंगी मिट्टी से। अब दोस्तों, इसको निकालते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी जड़ें नहीं टूटनी चाहिए। आपको बहुत सावधानी के साथ नर्सरी लाए गए पौधों को रखना चाहिए, ताकि उसको कोई किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। और उसको ऐसे कैसे आपको सेटल करना, बहुत से क्या करते हैं इसकी पूरी मिट्टी हटा देते हैं, उसके बाद इसको रिपोर्ट करते हैं और पौधे क्या हमारे धीरे धीरे करके टेंशन में चले जाते हैं और हमारा पौधा नहीं चलता है। देखिए, ये ऐसे सेटल करना है, ठीक है, और इसके बाद उसको आपको मिट्टी फिल कर देना है। नई मिट्टी डाली, इसके बाद दोबारा से पुरानी मिट्टी इसके अंदर डालूंगी, ताकि ये पौधा मेरा अच्छी प्रकार से ग्रो कर सके और हेल्दी पौधा बन सके। देखिए, ये इसमें बीज भी आ चुका है और मैं इसको बीज ग्रो करने का मेथड भी आपको बताऊं, किस प्रकार से आपको प्राइस तक आप बीज ग्रो करना है, इसकी वीडियो भी आपके पास जल्दी ही आएगी। चलो, लास्ट का प्रोसेस हमारा वही दोबारा से कि इसमें आपको पानी डाल के पूरा फिल करके छोड़ देना है। ये मेरा पौधे की रिपोर्टिंग हो चुकी है और इसको आपको 3 से 4 दिन की तक आपको उसको छाया में रखना है। छाया में रखने के बाद उसको जब ये पौधा पूरी तरह से एनर्जी के अंदर आ जाए, तो उसको फिर आपको बाद में धूप में रख देना है। और ये धूप में चलने वाला ही फूल का पौधा है अपराजिता, जो लक्ष्मी माता जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और विष्णु भगवान को भी ये इसके फूल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ऐसा ही दूसरा पौधा भी है, यही सेम प्रोसेस मैं आपको उस पौधे के साथ भी करके दिखाती हूँ। देखिए, इस पौधे को मैं रिपोर्ट करूंगी और ये भी वाइट ही सफ़ेद अपराजिता का ही फूल के पौधा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये दोनों पौधे मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं अपराजिता के। जब इस पर फूल आएंगे उसका मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, कितने सुंदर ये पौधे, कितने हेल्दी पौधे। इसका आगे का व्यू भी आपको दूसरी वीडियो में अवश्य दिखाऊंगी। धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो आपको रिपोर्टिंग कैसी लगी बताइए।